डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अपनी बड़ी आबादी का टीकाकरण कर चुके विकसित देशों की वैक्सीन पासपोर्ट की पहल का भारत ने कड़ा विरोध किया है। विकसित देशों के संगठन G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हर्षवर्धन ने वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध करते हुए फिलहाल इसे विकासशील देशों के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि G7 में भारत आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पासपोर्ट नीति का विरोध किया है। शुक्रवार को G7 की हुई वर्चुअल बैठक में अमेरिका और ब्रिटेन ने वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने पर जोर दिया और यूरोपीय देशों ने इसका समर्थन भी किया। उनका कहना था कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं वे वायरस से एक तरह से सुरक्षित हैं, इसलिए ऐसे लोगों के ही कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत की ओर से हर्षवर्धन ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि विकासशील और पिछले देशों में वैक्सीन की उपलब्धता काफ़ी कम है। ऐसे में यदि वैक्सीन को पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया गया तो उन देशों के लोग कहीं नहीं आ जा पाएंगे। वहीं विकसित देशों के लोगों के लिए आवाजाही की छूट हो जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विभिन्न देशों ने RT-PCR निगेटिव टेस्ट को अनिवार्य बनाया हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन देने के बावजूद भारत अब तक 3.5% से अधिक आबादी को ही दोनों डोज दे सका है। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा और इटली शामिल हैं। अपेक्षाकृत कम जनसंख्या और बड़े संसाधन के बल पर इन देशों ने पहले से ही वैक्सीन की अधिकांश डोज बुक कर ली थी। इसके बल पर ही वे अपने बड़ी आबादी का टीकाकरण करने में सफल रहे, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के गरीब और विकासशील देशों में वैक्सीन की कमी का मुद्दा लगातार उठा रहा है। शुक्रवार की चर्चा में भारत की ओर से ये कहा गया, लेकिन G7 देशों ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं जताई। इसके बजाय उन्होंने विकासशील और गरीब देशों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश के पुराने रुख को ही दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।